धार जिले के बदनावर तहसील के कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अब उजागर होने लगा है। जहां अधिकतर पंचायतों में सरपंच सचिव की मिलीभगत से यहां लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बदनावर के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत मुरड़का की, जहां सरपंच सचिव की मिलीभगत से मनरेगा योजना में लाखों रुपए के हुए भ्रष्टाचार से ग्रामीण किसान बहुत परेशान है। मुरड़का से पाए कुंडा होते हुए बड़नगर मार्ग, जो कि पुराने समय में बड़नगर जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद से इस मार्ग की सुध अभी तक नहीं ली गई एवं इस पर सुदूर सड़क योजना और मनरेगा योजना के तहत फर्जी मास्टर बनाकर लोगों के खातों में मजदूरी के रुपये डालकर सरपंच और सचिव द्वारा ग्रामीण खाता धारक के खाते में केवल एक दिन की मजदूरी को छोड़कर बाकी सभी राशि का आहरण कर लिया गया और रोड पर मुरम डालने का फर्जी कार्य बताकर फर्जी बिल मुरड़ का भेरूजी महाराज से पाई कुंडा काकड़ तक 3,26,834 रुपए की राशि का अब तक आहरण कर लिया गया एवं धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, ना ही रोड पर मुरम डाला गया और मजदूरों के काम भी नहीं करवाया गया और राशि का आहरण कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर गबन कर लिया गया, जिसके सारे बिल एवं सारे तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। इस मार्ग पर लगभग क्षेत्र के 400 किसानों के खेत हैं, जिनको बारिश के समय खेत में आने जाने व फसल लाने ले जाने में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार रास्ते से आते जाते समय गिर जाते हैं एवं दुर्घटना होती रहती है, जिससे दुर्घटना का भी हमेशा अंदेशा बना रहता है, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान भी हर वर्ष होता है। जहां ग्रामीणों ने लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच एवं सचिव पर लगाते हुए कहा कि कुल 6 बड़े बड़े कार्यों को धरातल पर बताकर मनरेगा के तहत लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए, जबकि कार्य धरातल पर हुए ही नहीं। जब ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी मिली तब ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर अनुविभागीय बदनावर को ज्ञापन दिया और जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मनरेगा के तहत स्वीकृत वर्तमान के एवं पूर्व के निर्माण कार्यों को मौके पर बिना कार्य किए लाखों रुपए की राशि का गबन कर लिया गया, जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं किया गया है। जब इस विषय में ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें सरपंच एवं सचिव को बुलाया गया था, तो बैठक में आने से सरपंच एवं सचिव ने ग्रामीणों को मना कर दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर यह मांग की है कि मौके पर पहुंचकर जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, गबन की राशि को सरकारी खजाने में जमा किया जाए और ग्रामीण महेंद्र सिंह सिसोदिया, शैलेंद्र सिंह चौहान, मनोहर राठौड़ द्वारा बताया गया कि यदि इस मामले की सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय धार में ग्रामीणों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा, लेकिन एक तरफ सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपये की सरकारी धन की बंदरबांट अभी भी जारी है। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाने के बाद दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाती है। इस मामले को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत मुरड़का के सचिव ओम प्रकाश राठौड़ से बात की गई तो सचिव ने बताया कि हमारे द्वारा राशि को निकाली गई है एवं पिछले वर्ष 600 ट्रॉली मुरम डलवाया गया है, जिसका यह राशि हस्तांतरित कर ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को दी गई है। सर, उनकी सेटिंग से काम चलता है और अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे आगे? नहीं, हम आंदोलन करेंगे। किस चीज़ का आंदोलन करेंगे भाई? हमारे यहाँ रास्ता हो, ये जो ये मुरम डले वगैरह, हमारे बच्चे वगैरह स्कूल जाए तो कहाँ जाए? किसान खेती करने जाए तो कहाँ जाएगा? कब तक ये सही? आज कितने आज़ादी को कितने साल हो गए, आज भी जिंदगी में जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी। आपका नाम? राधेश्याम राठौर। आपके यहाँ रोड का क्या मामला है भाई साहब? ये मुरड़ का ग्राम पंचायत में दो विभाग में रोड बटा हुआ है, 1 किलोमीटर पहले बन चुका है और उसका काम इन्होंने पूरा हो चुका है। अब ये दूसरा 1 किलोमीटर जो भेरूजी महाराज आप देख पा रहे हैं इधर सामने से, 1 किलोमीटर पाइकुंडा काकड़ तक का जो रोड स्वीकृत हुआ मनरेगा के तहत, इसमें अर्थवर्क भी अभी कुछ बाकी रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे इन्होंने जो सामग्री व्यय होता है मुरम का, उसके ऊपर 3.5 लाख के करीब, 3 लाख से ऊपर की राशि इन्होंने बिल के माध्यम से सामग्री के ऊपर मुरमीकरण के ऊपर निकाल चुके हैं। ग्राम पंचायत जी मुरड़ का ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा। तो यहाँ पे ये एरिया बहुत लंबा है, तकरीबन 3-1 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है रोड की। कितने किसानों के खेत हुए हैं इधर? यहाँ पे कम से कम
300-400 किसानों के खेत हैं, और ये बडनगर का जो पुराना रास्ता बोलते हैं इसको, ये पुराना रास्ता बडनगर के नाम से जाना जाता है, पाइकुंडा जी, मुरड़का से पाइकुंडा बडनगर का रास्ता बोलते हैं, इसके माध्यम से बडनगर लोग यहाँ से जाते थे। इस रोड के ऊपर इन्होंने कोई मुरम का काम नहीं किया है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा उधर आप बता दें, पास में मिट्टी की पूरी सड़क है जहाँ पे अभी पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है, पानी अगर ज्यादा गिर जाता है तो यहाँ पे ये स्थिति हो जाती है। और ये राशि इन्होंने बिल के माध्यम से निकाली है जो 7-8-9 के बिल के करीब है, जिसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं निकाले हुए, उसके अंदर इन्होंने ये गबन किया है। आपने ये शिकायत अभी तक कहाँ दर्ज करवाई है या नहीं? मैंने SDM साहब के यहाँ पे और CO जनपद बदनावर वहाँ पे भी ये शिकायत दे चुका हूँ। 14 तारीख को SDM साहब ने बुलाया है अभी ये, और बाकी और भी शिकायतें हैं हरिजन बस्ती से और नोगावा रास्ते से इधर से, तो वो उन सभी को 14 तारीख दे रखी है। हमको वहाँ 14 तारीख को जाना है, तो सरपंच सचिव को बुलाया था हमने, गाँव वालों ने यहाँ पे बैठक भी ली थी गांव के अंदर, तो सचिव को बुलाया था, सचिव बोले ये को कलेक्टर की बैठक थोड़ी, तो मैं हूँ। ग्राम के लोगों ने पूछा था कि ये सब पैसा निकल चुका है, सचिव का कहना है, ऐसा सचिव का कहना, और सरपंच पुत्र भी मेरे खिलाफ थाने पे वो शिकायत डाल के आया है SP के पास में, क्योंकि मेरी इसी विषय में मैंने शिकायत डाल दी, तो मेरे को परेशान करने के लिए शिकायत ले लूं, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर। कितने वर्षों से यह स्थिति है यहाँ पर? ये तो रोड काफी समय से कच्चा ही है शुरू से, पर अभी तो ये इसको शायद 3 से 4 वर्ष हो गए चुके हैं, इसको 4 वर्ष हो चुके हैं स्वीकृत हुए, इसका काम ऐसे टुकड़े में किया इन्होंने। आपका नाम? मैं महेंद्र सिंह सिसोदिया मुरड़का से। कैनन न्यूज के लिए धार से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट।